नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा धूरिया। भारत में 16 जनवरी से कोरोना वैक्सीनेशन अभियान जारी है। देश में अभी कोविशील्ड और कोवैक्सीन का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस बीच अब खबर है कि केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने एक बार फिर कोविशील्ड के पहले और दूसरे डोज के बीच कुछ बदलाव किए हैं। आपको बता दें, इससे पहले सरकार ने कोविशील्ड की दोनों डोज के बीच के गैप को दो बार बढ़ाया था, लेकिन इस बार ये गैप घटाया गया है। लेकिन ध्यान रहे कि ये गैप सिर्फ उन लोगों के लिए घटाया है जो विदेश यात्रा पर जा रहे हैं। आपको बता दें, अभी कोविशील्ड की दो डोज के बीच का अंतर 84 दिन का है, लेकिन अब नई गाइडलाइंस के मुताबिक कुछ श्रेणियों के लिए 84 दिन का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। अब 28 दिन के बाद भी कोविशील्ड की दूसरी डोज लगवाई जा सकती है। हालांकि कोवैक्सीन के लिए दो डोज के बीच का अंतर अभी भी 28 दिन ही है, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया। आपको बता दें, कोविशील्ड की दोनों डोज के गैप में तीसरी बार बदलाव किया गया है। 16 जनवरी से शुरू हुए वैक्सीनेशन अभियान में पहले कोविशील्ड की दोनों डोज के बीच 28 से 42 दिन का अंतर था। फिर 22 मार्च को ये गैप बढ़ाकर 6 से 8 हफ्ते कर दिया गया। इसके बाद 13 मई को ये अंतर 12 से 16 हफ्ते कर दिया गया। लेकिन इस बार स्वास्थ्य मंत्रालय ने नई गाइडलाइन जारी करते हुए कोविशील्ड की दो डोज के गैप को कम किया है। लेकिन ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जिन्हें कोविशील्ड की पहली डोज लग चुकी है और उन्हें विदेश दौरे पर निकलना है। आपको बता दें, ये विदेश यात्रा पढ़ाई, रोजगार और फिर ओलंपिक टीम के लिए भी हो सकती है। ऐसे लोगों को कोविशील्ड की दूसरे डोज के लिए 84 दिन का इंतजार नहीं करना होगा। वो इससे पहले भी अपनी डोज लगवा सकते हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।